नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्मी फिजिकल मेडिकल और लिखित परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी के बारे में। इस वीडियो का पार्ट वन मैं पब्लिश कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो के लिए जाकर देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले पार्ट में कवर किया था आपका इंडियन आर्मी के सोल्जर, या आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस क्लर्क टेक्निकल एजुकेशन हवलदार ट्रेड्समैन आरटीजीएसईओ स्टोरकीपर नर्सिंग असिस्टेंट के एजुकेशन क्यूआर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इनकी एज लिमिट के बारे में। तो पार्ट वन में मैं आपके लिए एजुकेशन और एज लिमिट के बारे में पूरे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लें। और इस वीडियो में दोस्तों मैं कवर करने वाला हूँ हमारे शारीरिक मापदंड, कि आपकी हाइट कितनी चाहिए, आप किस स्टेट में रहने वाले हैं, किस रीजन में रहने वाले हैं, तो आपके लिए कितनी हाइट अनिवार्य है, और आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, इस वीडियो में आपके लिए पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये पांच वीडियो की पार्ट की सेकेंड वीडियो है। इन पाँचों वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल आर्मी के फिजिकल मेडिकल और रिटर्न एग्जाम में जो भी बातें पूछी जाती हैं, जिनका भी एक स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट पैदा हो सकता है, मैंने सारे के सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट अनएक्सपेंडेड चेस्ट एंड वेट ऑफ रिक्रूट्स एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट फॉर ऑल कैटेगरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन, कि आप किस रीजन से हैं और स्टेट, उसके बाद में आपकी हाइट होगी जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा और सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए क्या क्या हाइट आपकी आर्मी के द्वारा मांगी जाती है। यहाँ पर आपका चेस्ट है, यहाँ आपका वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, तो पंजाब के जो हिल्स के एरिया हैं वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं। जैसे कि इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रोड। उसके बाद दोस्तों होशियारपुर, गढ़ और शंकर, रपर एंड चंडीगढ़, और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं। तो अगर आप इन जगह से रहने वाले हैं तो आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी में और ट्रेड्समैन में जो हाइट होगी वो 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और आपको सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, एंड वेट होना चाहिए आपका 48 केजी। तो यहाँ पर 48 केजी है, 50 केजी नहीं है। 50 केजी किसके लिए है वो भी मैं आपके लिए बताऊँगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं दोस्तों सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, गंगटोक, दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं तो आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन में भर्ती देखने के लिए हाइट की आवश्यकता है 160 सेंटीमीटर, और सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा के लिए 157 सेंटीमीटर, स्टोर कीपर और क्लर्क के लिए 160 सेंटीमीटर, और आपकी चेस्ट होगी दोस्तों 77 सेंटीमीटर, और वेट होना चाहिए 48 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हम आगे के वीडियो में आपके लिए और भी डिटेल में बताने वाले हैं,
उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वेस्टर्न प्लेन रीजन। तो दोस्तों जो वेस्टर्न प्लेन रीजन से हैं जिनमें स्टेट आते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं मेरठ एंड आगरा डिवीजन। तो मेरठ एंड आगरा डिवीजन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ये जिले जो मेरठ एंड आगरा डिवीजन में आते हैं और यहाँ पर जो मैंने स्टेट बताया ये स्टेट्स के आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं रहने वाले हैं यहाँ के तो सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए आपके हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा के लिए 170 सेंटीमीटर, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपकी 162 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए आपका 50 केजी। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ईस्टर्न प्लेन रीजन। तो अगर आप ईस्टर्न प्लेन रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि ईस्टर्न प्लेन रीजन में दोस्तों ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा आते हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स से रहने वाले हैं, इन जिलों से रहने वाले हैं तो आपकी सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा के लिए 169 सेंटीमीटर, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए आपके लिए इन सभी में चाहे आप जीडी, स्टोर कीपर, क्लर्क या टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट आपका चेस्ट और वेट जो है वो सभी के लिए सेम है। तो चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 50 केजी। नेक्स्ट आता है रीजन में दोस्तों सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन में दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये स्टेट आते हैं। तो अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर और जो आपका सॉरी ये 168 सेंटीमीटर सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए होनी चाहिए, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के लिए आपके हाइट होनी चाहिए दोस्तों 167 सेंटीमीटर और क्लर्क और स्टोर के बगले होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। यहाँ पर चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और वेट आपका 50 केजी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सदर्न रीजन। तो सदर्न रीजन में स्टेट आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी। तो अगर आप इन स्टेट्स से संबंधित हैं तो आपकी जो सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए आपका जो हाइट होनी चाहिए 166 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के लिए 165 सेंटीमीटर और क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 77 और दोस्तों वेट होना चाहिए 50 केजी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपके लिए बताया कि आपका फिजिकल मतलब शारीरिक मापदंड जो है वो किस स्टेट के लिए, अगर आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, मैंने आपके लिए इसमें पूरी इंडिया कवर करा दी है, तो आप किस स्टेट के किस रीजन के रहने वाले हैं, आपके लिए कितनी हाइट, कितना वेट, कितनी चेस्ट चाहिए वो मैं इस वीडियो में पार्ट टू में क्लियर करा चुका हूँ। तीन वीडियो आगे और भी आने वाली हैं, एक वीडियो आपके लिए पहले आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें और जो तीन वीडियो आने वाली हैं वो भी आप जाकर देखें। तो उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।